आज हम लोग पहुंच गए हैं एक नए लोकेशन में जो किच्छा के अंतर्गत आता है और ये किच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है। और जिस नर्सरी में हम लोग आज का वीडियो शूट करने जा रहे हैं उस नर्सरी का नाम है महालक्ष्मी नर्सरी। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये वही भाई साहब हैं जिनकी ये नर्सरी है, या यूं कहें कि जिनकी जिन्होंने दिन रात एक करके इस नर्सरी को तैयार किए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका नाम और प्रॉपर लोकेशन, ये किस जगह नर्सरी है, ताकि आप इस जगह यदि पहुंचना चाहें तो आसानी से पहुंच जाएं। तो सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और ये नर्सरी किस जगह है ये यदि आप आसान भाषा में समझा सकें तो। हमारी नर्सरी है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में दरू चौराहे अपने बरेरी अवधेश सिंह की नर्सरी। मेरा नाम अवधेश है, रिलायंस पंप के सामने नर्सरी है बगल में बरेली रोड दरू चौराहे से थोड़े से आगे। अवधेश जी इस नर्सरी को कितने दिन हो गए स्टार्ट किए? इस नर्सरी को लगभग हो गए हैं 2 महीने लगभग जे हो गए, और बाकी अंत थी वहाँ से माल यहाँ आया। आप कितने दिनों से फूलों के साथ रहे हैं? ये नर्सरी का काम ये हम 15 साल उम्र से काम सीख रहे हैं नर्सरी के साथ ही। आप 15 साल से पिछले 15 साल से लगे हुए हैं? जी, पन्नगर में इसके हमने वो दिया है, उसका हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पढ़ाई करी जो पेड़ों में कैसे कलम बांधते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कैसे गार्डन तैयार करते हैं, वो हम पल्लविका से सीखे हुए हैं। पल्लविका वाले हमारी वहाँ पढ़ाई करवाते थे पंतनगर। रोजगार के तौर पे नर्सरी को ही क्यों चुने? प्रकृति से क्या इतना खास लगाव है कि आप चाहते हैं कि प्रकृति के साथ भी रहें और कुछ रोजगार का जरिया भी हो जाए? अब ये है जैसे हमारा गार्डन का भी काम है, अब जैसे हमारा नर्सरी है सबसे बढ़िया है, ये हमारा नर्सरी और ज्यादा अपनी बढ़ाएंगे हम। अब जैसे ये वाला कौन सा गुलाब है? ये बटन गुलाब है, बटन गुलाब। और ये आपने पॉट में लगा रखे, क्या इसका रेट है? ये रेट पे है आपका 80 रुपए। इसकी यदि बात करें तो ये वाला 150 रुपए है। 150 रुपए कब से? जी पॉट सहित है। जी पॉट समेत है। और अगला प्लांट क्या आप दिखाने जा रहे हैं? ये जरबेरा दिखा रहा हूँ। जरबेरा? जी। जरबेरा क्या परमानेंट प्लांट होता है? हाँ ये परमानेंट होता है। इसमें फूल क्या 12 महीने ही आते हैं? इसके फूल 12 महीने नहीं आता है, जैसे अभी आ रहा है, इसके बाद फिर अगले बार को फिर आएगा, पेड़ हमेशा रहेगा, पौधा बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, फूल इक्का दुक्का रहता है जैसे सब गर्मियों में तो भर के आता है। अच्छा, फूल इसके रुक रुक के आते रहते हैं? जी जी, फूल स्टिक से निकलता है और उस स्टिक पे ऊपर के हिस्से में हाँ खिलता है, बढ़िया सब फूल खिलता है। जी, तो इसकी केयर के लिए यदि आप बता सके कहाँ रखना है, धूप में या छांव में? इसको आप धूप में रखोगे, इसको धूप में रखना है। धूप में रहता है ये? जी धूप में रहता है। इसमें आप जैसे DAP हो गई, गोबर की खाद हो गई, ये कंपोस्ट खाद आती है, उसको मिक्स करके आप दोगे इसमें। अच्छा, उससे बढ़िया फ्लावरिंग और पौधा बना रहेगा? जी, और उसे पेड़ भी अच्छा ग्रोथ करता है। जी जी, बहुत बढ़िया रहता है। DAP यदि मैं बात करूं तो इस छोटे से पॉट के लिए कितने देना चाहिए हमें? लगभग थोड़ी बहुत 2-4 दाने। 2-4 दाने ही देना है? जी जी जी। और कितने दिन के अंतराल पे देना चाहिए? ऐसे जैसे अपना 1 हफ्ता 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद 4 दाने और हम चाहे? जी जी हाँ जी, हल्की गोबरी खाद और DAP। अब देश जी इसको कितने बड़े पॉट में लगाने से बढ़िया रिजल्ट देगा? इसको लगाएंगे 18 इंची में। 18 इंची पॉट में ये बढ़िया रिजल्ट करेगा? जी। अपने पास पॉट भी अवेलेबल है, सब कुछ है, खाद भी है? जी। चलिए वो भी देखेंगे। अगला प्लांट जो है दोस्तों ये है गुड़हल का। गुड़हल का सीजन अभी आने वाला है, या यूं कहें कि स्टार्ट हो गया है। फ्लावरिंग आप देख सकते हैं इसमें स्टार्ट हो गया है, और कहीं खुले हुए पौधे फूल दिख जाएंगे आपको, तो कहीं बर्ड्स। ये छोटे छोटे प्लांट में लगे हुए हैं और छोटे से प्लांट में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, यही इसकी खासियत है। तो इसका रेट क्या रखे हैं आपने अपने? इसका रेट 100 रुपये है। 100 रुपये का एक पौधा? हाइब्रिड पेड़ है, देसी नहीं है, हाइब्रिड है। और पॉट सहित ये 100 रुपये? 100 रुपये।
कि ये छोटे छोटे पौधे में ही फूल आने लग जाते हैं जी। और एक देसी होता है जो काफी बड़ा हो जाता है, उसमें देरी फूल आता है, ये वाला हमारा हाइब्रिड है, हम जैसे हमारा तैयार पौधा है ये। इतने से पौधे में ही फ्लावरिंग आता रहेगा? जी जी जी, कब तक फ्लावरिंग होता रहता है? इसमें हमेशा फूल मिलेगा आपको। अच्छा, ये परमानेंट तौर पे जी। और रखते कहाँ इसको, धूप में या? इसको धूप में रखो आप, फुल सनलाइट में, फुल धूप में, तब भी ग्रो करता रहेगा, फ्लावरिंग आता रहेगा। अगला प्लांट आप क्या दिखाने वाले हैं? ये कॉसमोट है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे हमेशा ऐसे खिलेगा, परमानेंट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और इसमें कई कई सारे कलर मुझे दिख रहे हैं, तो कई कलर के फूल? ये कई कई कलर होता है। अच्छा, ये कई कलर है आपको दिख रहा है, इसमें ही सारे ये कलर है, कुछ पिंक है, कुछ रेड है, कुछ सफेद रंग के भी फूल इसमें दिख रहे हैं, तो मल्टी कलर होता है ये जी। और ज्यादातर यदि मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो ज्यादातर उसमें ये रेड वेराइटी बिकता है, उसके बाद पिंक और फिर सफेद भी। अब ये जितना ग्रोथ करेगा उतना फूल आएगा। ये पौधा कितना बड़ा हो जाता है? ये पौधा ये हो जाएगा। अच्छा, तो इसको भी हमें बड़े गमले में ही रखना चाहिए? हाँ, बड़े गमले में। और केयर टिप्स के तौर पे इसमें हमें क्या करना चाहिए बढ़िया फ्लावरिंग? इसमें भी हल्का वही खाद, गोबर की और डीएपी के दाने, ये आपको डालने हैं। और पानी की मात्रा? पानी मात्रा हल्का, पानी कम, एक गिलास बस, 18 इंची पॉट में। हाँ, ये गुलाब भी मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसको दिखाए भी ना मैं रह नहीं पाया। ये कलकत्ता का गुलाब है, ये क्या रेट है इसके? देसी अपने ये गुलाब है 100 रुपए, 100 रुपए का पॉट सहित पौधा है जी। और ये जरबेरा जो हमारे पास है, जरबेरा का क्या रेट रखे आपने? जरबेरा 100 रुपए, 100 रुपए का एक प्लांट। हाँ, सबसे कम रेट है अपने पास। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, और ये मल्टी कलर में मिल जाएगा, और ये परमानेंट प्लांट है, रुक रुक के फ्लावरिंग इसमें होती रहती है, ये जैसे स्टिक टाइप का आप देख रहे हैं, ये निकलता है ऊपर को और उसके टॉप लेयर पे ये फ्लावर लगा हुआ मिलेगा। इसको जितना बड़े गमले में करेंगे उतना ग्रोथ करेगा, उतना फैलेगा। जी जी जी। और मैंने सुना है कि ये एक डिवाइड करके आप एक पौधे से कई सारे पौधे? बिल्कुल 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 हो सकते हैं, ये भी हकीकत है, बना सकते हैं हम। हाँ जी, रखा उसका हमने ग्रोथ करके, उसके हमने काट काट के अलग अलग लगा दिए, अलग अलग गमले में लगा देंगे, पौधा फिर तैयार होता जाएगा, फिर तैयार होता रहेगा। अगला प्लांट आप क्या ऐसा खास दिखाने जा रहे हैं जो अमूमन अभी नर्सरी में नहीं है? लिलियम है हमारे पास। अच्छा, लिलियम, लिलियम इसमें भी बर्ड्स बनने लग गए हैं, उम्मीद है 8 से 10 दिन में इसमें बढ़िया फ्लावरिंग आ जाएगी, होने लग जाएगा जी। और इसका इसमें कई कलर हैं, पीले में है, नीले में भी है, कोई भी कलर आ जाए, डार्क कलर में बहुत प्यारा होता है, मैंने देखा हुआ है। हाँ, बहुत प्यारा होता है। बस हमारे फिलहाल नहीं है। अगला प्लांट आप क्या दिखाने वाले? जेरेनियम, जेरेनियम इसमें अभी फ्लावरिंग आना बाकी है, लेकिन पौधा बहुत ही ज्यादा उसी घना है, और जब भी इसमें बढ़िया फूल आते हैं ना गुच्छे से, बिल्कुल स्टिक की तरह ऊपर निकलता है। जी जी जी, ऊपर में फूल चारों तरफ से। हाँ, चारों तरफ से फूल लगता है। इस प्लांट का रेट क्या रखे आपने? इसका 150 रुपए, 150 रुपए का एक पौधा। और ये भी क्या परमानेंट प्लांट है? ये परमानेंट रहेगा और हमेशा खिलेगा, ये हमेशा रुक रुक के खिलता रहेगा, हमेशा रुक के खिलता रहेगा। सताइए, एक साल में कितने बार खिल जाता है? तीन बार खिलता है। यानी कि एक पौधे से हम साल में 3 बार फूल ले सकते हैं। ले सकते हैं। इसके केयर टिप्स यदि आप बताना चाहें, यदि पौधे में फूल आ गया, स्टिक पे फूल आ गया, तो उसको क्या हमें काट के हटा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे हमारा ये फूल झड़ जा रहा है जी, उसके जी। बाद आप उसको रहने दो, उसका बीज जो गिर जाएगा। अच्छा, फिर भी ग्रोथ कर सकता है उसका बीज भी, उसके बाद आप काट दो। बीज गिरने के बाद हमें इसको काटना है? जी जी जी, उस बीज से नया पौधा तैयार हो जाएगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा आपका, ये बीज से ही तैयार होता है जी। अगला प्लांट आप क्या दिखाने वाले हैं? ये हमारे पास क्रोटन है, नई वैरायटी कलकत्ता की, क्रोटन, बेंगलोरी क्रोटन है। रंग बिरंगे पत्ता वाला, यदि किसी प्लांट की तलाश में आप लोग हैं तो आपकी तलाश यहाँ के खत्म होगी, ये बेंगलोरी क्रोटन है।
ये बहुत ही बेबी प्लांट ही है, अभी ग्रो करना स्टार्ट ही किया है। इसमें खासियत यह है कि ये जब पत्ता निकलता है हाँ, उस टाइम में हरे भरे होते हैं। इसको 12 इंची गमले में कराया जाता है, 12 इंची में बढ़िया रिजल्ट। जी जी बढ़िया। और जब ये पत्ता निकलता है तो इस तरह से तो इसी तरह से रहेगा, जैसे वो हो रहा पीला। जी जी वैसा हो जाएगा ये हल्का, सिर्फ धीरे धीरे अपना कलर में जी चेंज करते लग जाता है, चेंज करने लग जाता है। ये है इसमें, इसको बेचना स्टार्ट कर दिया अभी आपने? जी बेचना स्टार्ट कर दिया है। किस रेट में बेच रहे हैं? ये 150 रुपए है। ये वैरायटी किसी के पास फिलहाल नहीं है। बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत बढ़िया है। ये मल्टी कलर में है, एक से ज्यादा कलर एक ही पत्ते पे आपको देखने को मिल जाएगा जी। और इजी टू ग्रो है, ज्यादा इसको केयर करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ इसका केयर ज्यादा नहीं है। लगा के केवल खाद डाल के आपको छोड़ दीजिए, हल्की सी जैसे रखे, जैसे सर्दी हो तो इसको आप अंदर कर सकते हैं जाल में। कड़ाके की सर्दी में इसको हम जाल में कर सकते हैं, जाल में या बरामदे पे कर देना चाहिए। डायरेक्ट जो ओस गिरते हैं, पाला गिरता है, उस समय बचाना होता है इसको। अगला प्लांट क्या दिखाने वाले हैं? एरी का पाम दिखाने वाले हैं हम। अच्छा, ये पाम की वैरायटी है सारे? जी 80 रुपए। 80 रुपए से स्टार्ट है जी? फिक्स है या 80 रुपए से स्टार्ट? 80 रुपए इसका फिक्स है। फिक्स है, कोई सा भी प्लांट आप चूज ना, ये वाला 150 रुपए पॉनिश पाम, ये है पॉनिश पाम। पॉनिश पाम थोड़ा महंगा है आपने? जी ये 150 रुपए का। इसके बाद आ जाओ मछली पाम। मछली पाम हाँ, ये वाला बड़े पत्ते वाला, ये जी। इसका क्या रेट है यहाँ पे? इसका भी 150 रुपए है, और थैली में लेना चाहो तो 100 रुपए का है। 50 रुपए का गमला इसमें लगा हुआ है, उसका रेट इस गमले वाले में ऐड हो जाएगा। जी जी जी, जो गमले में नहीं है उसका गमला का रेट आप माइनस करके बेच सकते हैं। बहुत खूब, बहुत ही वाजिब रेट है। इस रेट में पौधा मिल जा रहा है, और इतना घना इतना तैयार पौधा मिल जा रहा है। और क्या चाहिए? जो आपके जो उधर रखा है पीछे, जी जी, ये 200 रुपए में है, और इसमें एक से ज्यादा प्लांट आ चुका है ऑलरेडी। इसको यदि हम डिवाइड करें तो एक से ज्यादा प्लांट बन जाएगा क्या? फिट का पेड़ है, 200 रुपए। 200 रुपए का है जी, 5 फिट का 200 रुपए। ये हमारे पास मनी प्लांट आया है पूना का, ये मली प्लांट पूना का है हमारे पास। क्या रेट है इसका? ये हमारे पास 80 रुपए का। ये 3-4 कलर है। जी जी जी, एक ये डबल कलर में है जी, एक ये हल्के येलो कलर में, और ये सब अलग अलग वैरायटी है जी, अलग अलग है। और रेट की बात करें तो केवल 80 रुपए का ये मनी प्लांट मिल जाएगा आपको। 150 रुपए का है, केवल 150 रुपए का प्लांट है ये जी। और उसके साथ ही आपने ये क्या? ये मौसमी है। अच्छा, ये खाने वाला जो जो नारंगी होता है, नारंगी जी जी, वो है, ये पीस वाला है, सो पीस वाला। इसको आप नींबू में दाल में डाल सकते हो। अच्छा, उस मकसद का जी। एक ये वैरायटी नई आई है हमारी, बिल्कुल सही, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से कलाकारी किया है जी, मिली प्लांट का पेंट कर दिया है इसका। हाँ, ये मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट है जी जी जी। जब निकलता है तो ऐसे सफेद होता है क्या? जी जी, ऐसे ही होता है, सफेद होता है ये। फिर धीरे धीरे ये अपने कलर चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। ये कितने का प्लांट होगा? 150 रुपए, कुल 150 रुपए का है। और ये फैल जाता है पूरे पे, एक बार लगा दो तो फैल जाता है, बेल जैसी बन जाता है। बेल जैसा बन जाता है। क्रिसमस ट्री हाँ, क्या रेट है इसका? जी हमारे पास 150 रुपए, कोई सी भी ले सकते हैं आप, बड़े हाट की भी, छोटे हाट की भी, कोई सा भी पौधा आप चूज कर ले, रेट एक ही है। और बहुत ही घना प्लांट है, बहुत ही बूसी प्लांट है, और हेल्दी प्लांट तो है ही, केवल 150 रुपए में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। और ये परमानेंट प्लांट होता है, इसको रखना कहाँ होता है? धूप में? इसको धूप में, खुली धूप में इसको रख। जी जी, खुली धूप में। पतझर भी आता है क्या इसमें? ना ना, कुछ नहीं आता पतझर, ऐसे ही हमेशा हमेशा ऐसे ही रहता है। ये मोर पंखी हुई हमारी, ये मोर पंखी हो गई हाँ। पॉली बैग में आपने लगा रखे हैं इसको? जी। क्या रेट है इसके? इसका 100 रुपए। ये ऊपर में दाने दाने जैसे निकला हुआ है, ये क्या? जी ऐसे हो जाता है इसके बाद फिर। अच्छा, ये इसकी खूबसूरती बढ़ा दे रहा है। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, देखने में अच्छा लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल, स्टार जैसा, खूबसूरती बढ़ती जा रही है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने पत्ते उतने इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है।
गुलदावरी के दिख रहे हैं और अमूमन गुलदावरी में फ्लावरिंग होके खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके यहाँ का जो गुलदावरी है उसमें बर्ड्स अभी आ रहे हैं, लेट वेराइटी है क्या ये? हाँ, ये पूरी गर्मी खिलेगा, पूरी गर्मी चलता रहेगा, पूरी गर्मी चलता रहेगा, पेड़ ऐसा ही रहेगा। कलर भी बहुत प्यारे हैं इसके। इसका क्या रेट रखे है आपने? 100 रुपए। क्या कुल 100 रुपए का प्लांट? जी जी जी। ये पन्नी में भी लगा के रखे या केवल पॉट में? नहीं, पन्नी में भी है। पन्नी के रेट कितने हैं? पन्नी का 30 रुपए। ये कौन सा प्लांट लगा रखे हैं आपने? ये रेनू परस है हमारा, रेनू कुलस जी। इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट ही हुआ है जी, और पौधे बहुत घने हैं जो गमले में लगे हुए हैं। रेनू कुलस सब बोर्ड पे, ये कली पे है इस टाइम, फूल आने ही वाले हैं, आने वाला है। तो ये इसका फूल आप कब तक ले पाएंगे? इसका फूल पूरा सीजन, ये हमेशा का प्लांट है। अच्छा, परमानेंट प्लांट है ये? जी जी जी। फूल इसमें एक बार ही आता है केवल सर्दी में? ना ना, फूल दो बार आता है। अच्छा, फूल एक बार फूल आके चला जाएगा, दोबारा फूल इसमें? हाँ जी जी जी। ये घास मोट है। ये कौन सा प्लांट है? घास मोट है ये। और इसमें ये भी क्या परमानेंट प्लांट है? हाँ, ये वाला हमेशा वाला है, परमानेंट प्लांट है। जी जी जी। ये फ्लावरिंग इसमें रुक रुक के आती रहती है? ये हमेशा फ्लावरी आएगी इसमें, रुक रुक के इसमें हमेशा फूल मिलेगा आपको। अच्छा जी। इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जी जी, कलर बहुत बढ़िया है इसका। ये कितने का प्लांट मिल जाएगा पॉट सहित? ये आपको मिल जाएगा 80 रुपए का। यदि एक बार खरीद के ले गए तो हमेशा के लिए हो गया? हमेशा के लिए हो? बिल्कुल बिल्कुल हमेशा के लिए। इसको बल्कि आप डिवाइड करके एक से ज्यादा बना लेंगे, लेकिन ये कभी आपके गार्डन से खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये पान है? पान के पत्ते हैं। हाँ, पान के पत्ते हैं ये। इस सर्दी में जहाँ एक तरफ सभी के पान के पौधे सूख से गए थे, जी जी जी, आपके यहाँ अभी भी ये पान का पत्ता? हमारे पास पोली हाउस में तैयार था। अच्छा, वही कारण है कि पोली हाउस में होने की वजह से ये? जी जी जी। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? नहीं नहीं, पोलिया में ज्यादा नुकसान नहीं होता हमारा। और देखिए अभी भी ये इसमें नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं। ये पान का हमारा, और ये पोली बैग में लगा रखे हैं। क्या रेट है इस पान के पत्ते का? इसका 200 रुपए, केवल 200 रुपए का एक? जी जी। ये रंग बिरंगे कौन सा फूल है ये? ये गजेनिया का। गजेनिया जी, बहुत ही प्यारा फूल है ये। ये देखिए कितना प्यारा है इसका, और देखने में बिल्कुल ये जी अलग सा ही लगता है। जी जी, बिल्कुल जी। ऐसा लगता है जैसे जरबेरा का बूसी तरह है। बिल्कुल जरबेरा का कॉपी हो। इसका रेट क्या है अपने यहाँ? 20 रुपए, परमानेंट प्लांट है जी। और इसके ठीक ये पीले पीले फूल जो खिले हैं, ये कैंडुला आ गया, कैलेंडुला। हाँ, कैलेंडुला। इसके पौधे कितने का दे रहे हैं? इसका 20 रुपए का। गुलाब का ये पूना वेराइटी कितने का दे रहे हैं आप एक प्लांट? ये 100 रुपए का दे रहे हैं पूना की। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जब छत पे पौधे लगाते हैं ना, यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, तो उसमें बढ़िया हेल्दी पौधा इसका आप क्या करो, जैसे आ गया जब हमारा पेड़ तैयार हुआ, हमने इसका अक्टूबर में हमें कटिंग करना पड़ता है, कटिंग करा हमने, उसके नीचे हमने खड्डा कर दिया, पहले उसके अंदर गोबर की खाद DAP मिक्स करके हमने दबा दिया, पेड़ की हमने कटिंग कर दी, उसके बाद आप फ्लावर देखना बड़ा आएगा। आप कह रहे हैं कि कटिंग करने के बाद पौधे को बाहर निकाल लूं? नहीं, पौधे को बाहर नहीं निकालना है, उसका पौधों का मिट्टी की चारों तरफ की हटा लीजिए, हटाने के बाद गोबर की खाद डाल दीजिए, मिट्टी की जगह गोबर की खाद से उसको भर दूं? जी, उसमें हल्के से 4 दाने DAP के बढ़िया करके उसको मिट्टी से फिर पाट दो, पाटने के बाद फिर आप गुलाब का कंडीशन देखना। अच्छा, फिर वो उसमें इसी टाइप के, इससे भी और बड़ा आएगा। अच्छा हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन में गुलाब की कटिंग हम अक्टूबर में ऑक्सीजन में कैसे हम गुलाब को केयर करें, ताकि उसमें फिर अगले सीजन आते आते फरवरी मार्च आते आते बढ़िया से फ्लावरिंग मिलने लग जाए। जी जी जी। फूल हर पेड़ ग्रोथ करता है ये। आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो लगा रखे है पॉट में, कितने का है ये? ये हमारा 50 रुपए का है एक प्लांट जी। और ये जाफरी गेंदा? जाफरी गेंदा 20 रुपए है। कुल 20 रुपए का प्लांट है जी, 20 रुपए का है। इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल हैंगिंग में लगा सकते हैं इसको जी।
देखने में कितना प्यारा लग रहा है देखिए, और इसमें फूल भर भर के आता है, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में इसमें फूल आता रहता है। जी जी जी। और ये आपको यदि दिख रहा हो तो देखिए, एक ही फूल में एक से ज्यादा कलर भी आपको मिल जाएगा। ये कौन सा प्लांट है? ये हेलीहोप है अपना। जी जी। अपना ये जितना ग्रोथ करेगा, हमेशा प्लांट है, जितना ग्रोथ करेगा उतना फूल देगा। ये ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग होता है इसमें? जी जी, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ही भर के एकदम देगा। और ये परमानेंट प्लांट है क्या? ये परमानेंट रहता है। क्या रेट रखा है आपने इसका? इसका 100 रुपए। 100 रुपए का प्लांट है जी। अगले सीजन तक हम इसको बचा कर रख सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमेशा फूल ऐसे ही मिलेगा, इस पे झड़ता रहेगा, आता रहेगा, आते रहेगा, ऐसे ही देखिए, जैसे गुलदस्ता हो ये। हाँ। फूल का प्लांट नहीं, पूरा गुलदस्ता बन जाता है ये। कितने का दे रहे सर आप? ये 40 रुपए का। फूल 40 रुपए का? फूल 40 रुपए का। ये मल्टी कलर, सिंगल कलर, कुछ भी ले लो आप, 40 रुपए का मिल जाएगा। इसमें बर्ड्स यानी कि कलियां अभी बन बन के आ ही रही है, अभी आ ही रही हैं। तो कब तक इसमें फूल ले सकते हैं? ये अपने, ये पूरी सर्दी चलेगा, ये पूरी गर्मी, पूरी गर्मी चलेगा, पूरी गर्मी चलेगा। जो हमने बाद में तैयार करा हुआ ही पोली हाउस का हमारा माल है, पोली हाउस में था तभी इतना हेल्दी प्लांट है ये। जी, यदि मैं दिखा सकूं आपको कितना हेल्दी प्लांट है देखिए, और सभी में कलियां आना स्टार्ट हो गया है। अब ये अभी से लेके बरसात तक खूब फूल आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने अपनी बागवानी की साइड हमें करवाया जी, हर एक प्लांट की केयर के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, जी, जी, जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये नर्सरी की विजिट पसंद आया होगा, इनके केयर टिप्स पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सके।